मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह की लहार विधानसभा में पदस्थ और लंबी छुट्टी से वापस आए लहार एसडीएम केवी विवेक दरअसल दोपहर में बाजार से होते हुए निकले तो उन्हें बाजार में सड़क पर हाथ ठेला लगाए हुए कुछ व्यापारी दिखाई दिए जिनका हाथ ठेला रोड पर लगा था जिससे आवाजाही में परेशानी हो रही थी या यूं कहें अस्थायी अतिक्रमण कर लिया गया था जिसको हटाने के लिए एसडीएम महोदय अपने गार्ड के साथ खुद गाड़ी से उतर गए और उन्होंने वहां पर खड़े हाथ ठेले वालों का रखा हुआ सामान फेंकना शुरू कर दिया। उनकी इस कार्रवाई को पास खड़े किसी राहगीर ने कैमरे में कैद कर वायरल कर दिया जो कि खूब सुर्खियां बटोर रही है। वैसे लहार एसडीएम केवी विवेक युवा और तेज तरार अधिकारी है जिन्होंने अतिक्रमण को लेकर कई कार्यवाहियां की है जिसकी वजह से वे हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि लहार के विधायक और मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह इस मामले को कितना जायज ठहराते हैं या फिर एसडीएम साहब खुद कुछ सफाई पेश करेंगे। फिलहाल प्रशासनिक लोगों के साथ साथ आमजन का ये कहना है कि नगर पालिका के कार्य को एसडीएम महोदय प्रशासक के रूप में कर रहे हैं। बताना मुनासिब होगा कि एक ओर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की हाथ ठेला योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडर रेड़ी वाले सड़क विक्रेता साइकिल वाला ठेले वाले को लाभ प्रदान करवाने के उद्देश्य से योजनाएँ चलाई जा रही हैं ताकि उनका जीवन स्तर सुधर सके। भिंड से पीयूष बिरथरिया की रिपोर्ट। वो तो हटा रिया ले भैया हो तर्राटे काट दे कल इधर इधर इधर